एक्सरसाइज 53 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कन्वर्ट इनटू डेसीमीटर्स। डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है और हम लोग के पास दिया हुआ है मीटर, मीटर, किलोमीटर और किलोमीटर, इस तरह का है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास दो पार्ट है, ए और बी। यहाँ मीटर में दिया हुआ है और हम लोग को जाना है डेसीमीटर में। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये मीटर में है और ये डेसीमीटर में, मतलब एक स्टेप। तो बड़ा से छोटा मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एक स्टेप मतलब 10। तो यहाँ पे हम लोग 10 से करते हैं, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, डीएम लिखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है 1.9 मीटर इक्वल टू 1.9 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक जीरो है, तो ये पॉइंट राइट साइड की ओर चलेगा एक बार, तो इक्वल टू कितना हो गया 19 डेसीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये भी मीटर में दिया हुआ है, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है 20.3 मीटर इक्वल टू 20.3 इंटू 10, यहाँ पे एक बार चलेगा ये, इक्वल टू कितना हो गया 203 डेसीमीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी और डी पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे किलोमीटर मतलब समझिए कि यहाँ पे एमएम काफ़ी दूर हो गया, एमएम हो गया, सीएम हो गया, उसके बाद डीएम, एम, उसके बाद हो गया डीएएम, एचएम और केएम। तो यहाँ से हम लोग कहाँ तक जाना है, यहाँ से किलोमीटर से जाना है 1, 2, 3, 4, यहाँ तक जाना है। तो 10 हो गया 100,000, 10,000। तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर, 100,000, 10,000 डीएम। तो यहाँ पे हम लोग के पास है 1.24 केएम इक्वल टू 1.24 इंटू 100,000, 10,000 है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को चलना पड़ेगा 4 बार चलना पड़ेगा, 4 जीरो है, तो 2 बार चलेंगे तो ऑलरेडी ये कंप्लीट नंबर आ जाएगा, और 2 और चलेंगे मतलब 2 जीरो इस पर और लगेगा, 1, 2, 4 पे 2 जीरो, ये हो गया डीएम डेसीमीटर, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी किलोमीटर दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू 10,000, 100,000, 10,000 डेसीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ 4.008 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4.008 इंटू 10,000, 100,000, 10,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 बार ये जीरो चलेगा, पॉइंट जो है 4 बार राइट साइड की हो जाएगा, तो 3 बार में ये कंप्लीट नंबर आएगा, एक जीरो और लगेगा, 4008 एक जीरो लगाएंगे और ये आ जाएगा इतना डेसीमीटर, और यही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 53 का क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग के पास, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट इनटू मीटर्स, तो मीटर्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, और यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर, किलोमीटर और सब में किलोमीटर दिया हुआ है, तो किलोमीटर से मीटर में हम लोग को जाना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे है 4 नंबर का ए और बी पार्ट, किलोमीटर टू मीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और हम लोग के पास है 3.2 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 1000। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे 3 जीरो दिया हुआ है, 3 बार ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे एक बार जाएगा तो ये 32 बनेगा, और 2 बार जाएगा तो मतलब 2 जीरो इस पर और लगेगा, तो यहाँ पे हो गया 3200 पॉइंट यहाँ था, तो 1, 2, 3 यहाँ तक गया, इतना मीटर हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया इसका। इसी तरह से बी नंबर में दिया हुआ है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 7.09 दिया हुआ है किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 7.09 इंटू 1000 इक्वल टू
तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है तीन बार चलेगा, दो बार चलने पर इतना नंबर बनेगा और एक जीरो और लग जाएगा इसमें, 7090 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सी और डी पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे किलोमीटर से हम लोग को मीटर में जाना है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 100,000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमारे पास दिया हुआ है 4.64 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.64 × 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो इक्वल टू ये 30 यहाँ पे है तो मतलब तीन बार ये चलेगा, तो दो बार में कंप्लीट ये नंबर आएगा और एक जीरो और लगेगा, 4640 मीटर ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब यहाँ पे दिया हुआ है 12.879 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.879 × 1000 ये हो गया, तो 30 है तो ये तीन बार चलेगा, 1 2 3 मतलब कंप्लीट ये नंबर आ जाएगा, इक्वल टू 12879 मीटर ये आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।